हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर एल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ का जो कि साइंस है चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, जिसे वैद्युत या विद्युत के नाम के जानते हैं, आज मैं उसे आप लोगों को टीच करूंगा। ठीक है, जो भी हमारे फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, चैप्टर का जो आपका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, इसे हम लोग वैद्युत या विद्युत के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो इसका कोई बेसिकली डिफिनेशन नहीं होता है। जो इसका डिफिनेशन होता है, क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आवर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए क्या होता है, जो वैद्युत है ये क्या है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, वैद्युत जो है मानव के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके बिना हमारा जीवन आज के समय में आधुनिक युग में संभव नहीं है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ये एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है ना, ये क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। जो वैद्युत है ये क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। अगर आपसे परिभाषा की बात किया तो आप क्या लिखेंगे कि वैद्युत एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसके बिना मानव जीवन आधुनिक युग में संभव नहीं है। ठीक है, वैद्युत एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जिसके बिना आधुनिक युग में मानव जीवन संभव नहीं है। ठीक है, ये होगा इसका डिफिनेशन। अगर इसके टाइप्स की बात की जाए, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, वैद्युत होता है, इसके बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला होता है स्थिर वैद्युत, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, और सेकेंड जो होता है वैद्युत धारा, जिसको करेंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो हम बात करते हैं पहले आपसे, ये जो आपका स्थिर वैद्युत होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट यूजफुल फॉर आवर लाइफ। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है इसका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। जो स्थिर वैद्युत है उसका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। इसका रीजन क्या होता है कि जो इसके चार्ज होते हैं, चार्ज मीन्स आवेश, आवेश में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मूव नहीं करते, गतिशील नहीं होते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण के तौर पे आप प्लास्टिक का कोई भी छड़ लीजिए, ठीक है, उसे अपने हेयर में रब कीजिए, अपने बाल में क्या करिए, रब करिए, रब करने के बाद मतलब घसर करिए, फिर डस्ट जो पार्टिकल होता है, जो धूल के कण होते हैं, उसके संपर्क में आप लाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि कुछ धूल के कण या फिर जो कागज के टुकड़े होते हैं उसमें क्या होते हैं, चिपक जाएंगे, उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है कि अगर हमने इस पोर्शन को रब करके, हमने इस पोर्शन को रब किया है और उसको डस्ट के संपर्क में लाए, तो ये जो डस्ट पार्टिकल यहीं पे होगा, यहाँ से यहाँ मूव नहीं करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है अगर वो मूव नहीं करेगा तो हम उसका यूज नहीं कर सकते। इसलिए जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, स्थिर वैद्युत है, हम इसका स्टडी नहीं करते, हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ओके, जो हमारे लिए यूजफुल है ये इम्पोर्टेंट है वैद्युत धारा, जिसे कहते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं इसके डिफिनेशन की बात करूं इंग्लिश में तो क्या होता है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन अ कंडक्टर दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है,
करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हिंदी में अगर बात करें तो किसी भी चालक में एकांक समय पे प्रवाहित होने वाली धारा, किसी भी चालक में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या या आवेश को ही क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। क्या लिखेंगे? किसी भी चालक में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश या आवेशों की संख्या क्या कहलाती है? वैद्युत धारा। ठीक है, क्या होता है? वैद्युत धारा। ये होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन। और अगर इसके एसआई मात्रक की बात करें, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। जो आपका वैद्युत धारा होता है इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, इसे हम लोग किससे मेजर करते हैं? और मीटर के द्वारा करते हैं। जो आपका करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट या करंट होता है, उसे हम लोग कैसे मेजर करते हैं? और मीटर के द्वारा। ठीक है, अगर हम इसके कुछ और बात करते हैं इसमें, तो जो आपका 1 एम्पियर होता है, ठीक है, 1 मिली एम्पियर इक्वल टू होता है 10^-3, क्या होता है? एम्पियर। या 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू होता है 10^-6 एम्पियर। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये छोटे मात्रक है एम्पियर के, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब जो आपके आवेश होते हैं, मैं उसकी बात करता हूँ, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम मैंने बोला, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम स्टडी करते हैं। तो अगला जो आपका टॉपिक है वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। किसको? जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, उसे कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसके फार्मूले की बात करें तो अभी आगे हम आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो आपका है वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश क्या होता है? किसी भी तार में या चालक में प्रवाहित होने वाले एकांक समय में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, जब इलेक्ट्रॉन को आप फ्लो करेंगे तो उसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे, और जब चार्ज को फ्लो करेंगे तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें चार्ज फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो करते हैं। ठीक है, जो आपका वैद्युत आवेश होता है इसका एसआई जो यूनिट होता है, एसआई मात्रक होता है, वो क्या होता है? कूलाम। इसका जो एसआई मात्रक होता है कूलाम होता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं? कूलाम को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसे स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और जो एसआई यूनिट कूलाम होता है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई। ठीक है, लेकिन इसमें जो आपके ये दो पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसा कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना, पॉजिटिव और निगेटिव, जब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं,
जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो पॉजिटिव होता है ना, क्योंकि जिसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, ठीक है, लॉस करेगा, वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। और जहां पे गेन करता है, प्राप्त करता है, उसे क्या कहेंगे, निगेटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज निगेटिव इलेक्ट्रॉन। जहां पे आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, मतलब किसी को दान में देंगे, वहां पे आप पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होंगे, और जहां पे आप एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे, उसे क्या कहते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अगर मैं वन इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, अगर निगेटिव है तो -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, अगर वन निगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है तो केवल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन निगेटिव शो करता है, और कोई साइन नहीं यूज करेंगे तो पॉजिटिव है। तो इसकी वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये वन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है और ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। ठीक है, −19 कूलम। अब ये जो फॉर्मूला है Q इक्वल टू एन ई, अब आपसे क्वेश्चन क्या करता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में फ्लो होने, किसी भी कंडक्टर में या चालक में फ्लो होने वाले टोटल चार्ज क्या होंगे, ठीक है, कुल आवेश क्या होंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उसमें जो वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा, है ना। तो जहां पे यन क्या है, जहां यन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हिंदी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये होता है क्यू इक्वल टू एन ई फॉर्मूला। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इसमें नेक्स्ट जो आता है स्टूडेंट्स, वो आपका होता है इलेक्ट्रिक करंट। ये है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसे कहते हैं विद्युत धारा, जिसका डिफिनेशन मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि आपको मैंने बताया था, द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर फॉर यूनिट टाइम दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी चालक के एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक करंट वैद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। ये होता है इसका फार्मूला, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, या इसी को लिखते हैं क्या, U इज इक्वल टू आई टी भी, इसी को राइट करते हैं, इसे क्या ऐड करते हैं, Q इज इक्वल टू आई टी, या इसको हम क्या राइट करते हैं, I इज इक्वल टू एन ई अपान टी। एन ई मैंने कहां से लिया, अभी यहां पे मेरे चार्ज में, इलेक्ट्रिक चार्ज में वैद्युत आवेश मैंने आपको बताया कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई। तो मैंने क्या किया, Q के प्लेस पे क्या यूज कर लिया, एन ई। ये होता है फॉर्मूला आपका, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी, और आई इज इक्वल टू एन ई बाई टी। इस प्रकार से आप इसका यूज करेंगे न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, और इसमें एक जो आता है वो अमीटर होता है,
क्या होता है अमीटर। अमीटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करेंट होता है उसको मेजर करने के लिए हम अमीटर का यूज करते हैं। अमीटर क्या है, अमीटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट यूज इन अ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इन सीरीज। किसी भी वैद्युत उपकरण में हम क्या करते हैं, अमीटर को समांतर क्रम में उपयोग करते हैं। किस लिए, इलेक्ट्रिक करेंट को वैद्युत धारा को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, अमीटर का। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जो आपका इलेक्ट्रिक करेंट है उसका एसआई यूनिट, एसआई मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। ये जो अमीटर इंस्ट्रूमेंट है ये क्या करता है, इसको मेजर करता है इलेक्ट्रिक करेंट को वैद्युत धारा को। इसका जो सिंबल होता है इस प्रकार से सिंबल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसका सिंबल होता है। और एक जो इम्पोर्टेंट टर्म है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वैद्युत धारा होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, जो करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू निगेटिव, प्लस से क्या होता है माइनस की तरफ होता है। अब आगे आप इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट वैद्युत परिपथ। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, उसमें दो आप पढ़ेंगे, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। दो पढ़ेंगे, एक ओपन सर्किट और एक क्या होता है, क्लोज सर्किट। जो देखिए आपका ओपन सर्किट होता है, एक बंद परिपथ आप पढ़ेंगे एक खुला परिपथ। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में क्या होता है, हम ऊपर आपको तो शो करते हैं, नीचे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, कैसे नहीं ऊपर है कैमरे में। देखिए जो ओपन सर्किट होता है कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। ये आपका एक प्रकार से क्या है, डायग्राम है। ये बैटरी का सिरा है। ठीक है, ओपन वाले में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। ये आपका क्या है, यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे ये क्या है आपका बल्ब है। ठीक है, ये करंट के डायरेक्शन को फ्लो कर रहा है ना। यहाँ पे क्या है, ये बैटरी है आपका, ये क्या है इंस्ट्रूमेंट है, ये बल्ब है जल रहा है, क्योंकि ये क्या है ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में ये जो की है स्विच ये कांटेक्ट में रहेगा, जुड़ा रहता है, ऑन रहता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। अब जब हम आपको बताएंगे क्लोज सर्किट, तो इसमें क्या होता है, क्लोज सर्किट में बस यहीं पे क्या होता है, ये ओपन हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं, ये आपका क्लोज सर्किट हो गया, बस इतना ही चेंज करने से। अब ये जो बल्ब जल रहा था ये जलेगा नहीं। ठीक है, ये आपका जो वैद्युत धारा होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है। इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव। थैंक यू।